हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव टू टीच सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और पिछले दो एपिसोड कह लीजिएगा, उसमें मैंने आपको जो है तमाम टेंस की पहचान वगैरह और उनके हेल्पिंग वर्ब वगैरह आपको बता दिए थे। और फिर मैंने बोला था कि हम जो है डिटेल से एक एक टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज टेंस, जो पहला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में कुछ मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूँ। उसको आप देख ही लीजिएगा, समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो वर्तमान में किसी घटना का होना दर्शाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंस आते हैं जो ये दर्शाते हैं कि कोई काम अभी वर्तमान में होता है। तो इसीलिए इनकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है वो ऐसे समझ लीजिएगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते है निकलते हैं। जैसे तमाम ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, अब ते है निकल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और उसका जो है स्ट्रक्चर है ये सामने मैंने आपके लिखा हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या आई एस का ही प्रयोग करके और ऑब्जेक्ट सीधा सीधा लिख देते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर एस या आई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर सिंगुलर, देखिए यानी फर्स्ट पर्सन जो है आई और इसका प्लूरल है वी, ये इनके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। यानी एस ए आई एस नहीं लगेगा और यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही रखा जाएगा, एस ए आई एस नहीं लगेगा। और जो थर्ड पर्सन हमारे हैं ही है, सी है और या इट है, इनके साथ सिंपल सेंटेंस में एस या एस जोड़ा जाएगा, आई यू वी और दे, ये हैं इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही सीधा सीधा रख देते हैं। और आई यू वी दे के साथ ही निगेटिव में डू नॉट का प्रयोग करेंगे और इनके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव में। और इसके बाद अगर इंटरोगेटिव वाक्य है तो उसके लिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा और ये जान लीजिएगा। सर अब इसको थोड़ा अब इतना तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस वर्ब के साथ एस ए आई एस लगेगा और किसके साथ एस ए आई एस नहीं लगेगा, आपने पहले नोट ही कर लिया होगा। सिंगुलर ये जो इनको सेकेंड पर्सन जो है उनको हम सिंगुलर मान लेते हैं और इनको जो है प्लूरल माना जाता है, तो इनके साथ एस ए आई एस सिंपल सेंटेंस में प्रयोग नहीं होगा और इनके साथ एस ए आई एस प्रयोग किया जाएगा। सपोज दैट कोई सा भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, मान लीजिएगा मैं ये कहूँ बच्चे खेलते हैं बच्चे खेलते हैं, तो ये जो बच्चे हैं ना वो प्लूरल में आया है तो यहाँ पर जो है एस ए आई एस नहीं रखते हैं या लगाते हैं, सीधा लिख देते हैं चिल्ड्रन प्ले।
ये हो गया बच्चे खेलते हैं। और इसी को अगर हम कह दें बच्चा खेलता है, तो इसको बच्चा एक आ जाएगा तब एस आई एस लगेगा, तो हम कहेंगे चाइल्ड प्ले। इस प्रकार से वो प्लेस, यहाँ पर एस आई एस नहीं लगा है और सिंगुलर के साथ एस आई एस लगा है। और अगर हम इनको निगेटिव में, जब हम इनको अगर हम निगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कहेंगे चिल्ड्रन, और ये प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और डू नॉट को ऐसे भी लिख देते हैं, बोल भी देते हैं चिल्ड्रन डू नॉट प्ले या चिल्ड्रन डोंट प्ले, ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चा खेलता है, और चूँकि यहाँ पर बच्चा एक है तो यहाँ पर एस का प्रयोग किया जाएगा, तो हम लिख देंगे। और एस या एस वाले में निगेटिव बनाते समय तब डज नॉट का प्रयोग करेंगे, चाइल्ड डज नॉट प्ले। इसी प्रकार से जो भी हैबिचुअल सेंटेंसेज हैं और उनको ट्रांसलेट करते समय प्लूरल के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं और सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ऐसे तमाम से तमाम आपको ऐसे उच्चारण मिल जाएंगे या सेंटेंस ऐसे मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा एक और सेम उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिएगा सपोज दैट गाय चरती है और दूसरा हम ले लेते हैं प्लूरल में गायें चरती हैं। तो यहाँ पर गाय एक का बोध कराती है, यानी एक गाय चर रही है चरती है, और नीचे जो हैं वो प्लूरल में हैं वहाँ पर गायें चरती हैं, तो गायें ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिएगा गायें जो है ना उनके साथ एस आई एस नहीं लगाएंगे, गायें काउज, और चरनाक अंग्रेजी होती है ग्रेज, जी आर ए और जेड ई, काऊ ग्रेस यानी गायें चरती हैं। और यहाँ पर चूँकि सिंगुलर ही है तो यहाँ पर इसमें एस आई एस का प्रयोग किया जाएगा, तो इसको लिखेंगे द काऊ ग्रेजिस, जी आर ए जेड ई एस। ये सिंगुलर के साथ एस आई एस का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ एस आई एस का प्रयोग नहीं होता है। और ठीक इसी प्रकार से आपको जब नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यहीं पर अगर ये कहा जाए कि इसको नेगेटिव में चेंज कर दीजिएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे बीच में डू नॉट और बढ़ा देंगे और यहाँ पर डज नॉट बढ़ा देंगे, तो लिख देंगे द काऊ डज नॉट ग्रेस। ये एस आई एस की जगह पर डज नॉट का प्रयोग कर देंगे और यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग कर देंगे, काउज डू नॉट ग्रेस। ये आप जान गए होंगे जो मैंने स्ट्रक्चर में सिंगुलर
वर्ब लिखा है और प्लूरल वर्ब लिखा है, तो सिंगुलर और प्लूरल का वर्ब का फर्क आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से सिंगुलर के साथ मैंने बताया कि डज नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से इंट्रोवर्ट सेंटेंस अगर हम ले लें, इंट्रो सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी ठीक इसी प्रकार से डू और डज का यूज होता है। आई वी यू दे के साथ डू और ही सी इट के साथ डज का प्रयोग। इंट्रोवर्ड पहले आप इंट्रोवर्ड देख लीजिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें जो है सवाल किया जाता है, प्रश्न कोई आपसे पूछेगा या आप किसी से पूछेंगे तो उनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले इंट्रोवर्ड रखते हैं, और इंट्रोवर्ड के तुरंत बाद डू और डज रख देते हैं। यानी अगर इंट्रोवर्ड के बाद और इसके बाद थर्ड नंबर पर हम सब्जेक्ट रखते हैं, अगर सब्जेक्ट या काम करने वाला हमारा जो करता है वो सिंगुलर है तो डू रखेंगे, वो अगर सिंगुलर है तो डू रखेंगे, सिंगुलर है तो डज रखेंगे और प्लूरल है तो डू रखेंगे इस हिसाब से। और इसके बाद हम क्रिया रखेंगे, जो हमारा मेन वर्ब है वो रखेंगे। और फिर इसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट बचता है वो रख देते हैं। इस प्रकार से हम इसका जो है हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं। जैसे सपोज दैट कोई मान लीजिएगा यह है कि तुम क्या पढ़ते हो, एक ये सेंटेंस है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोवर्ड बताया गया है, तो इंट्रोवर्ड ये होता है क्या की अंग्रेजी रखनी पड़ेगी, व्हाट, ये इंट्रोवर्ड रख गया। अब तुम की अंग्रेजी चूंकि यू है और यू के साथ ये डू का प्रयोग होगा तो यहाँ पर डू लिखा जाएगा, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब इसके बाद में जो वर्ब बचा है पढ़ना, व्हाट डू यू रीड या व्हाट डू यू स्टडी, कुछ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इन वाक्यों की रचना हो जाती है। तो आपने देखे होंगे तीनों, सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में जो भी इंट्रोवर्ड हैं वो पहले रखे जाएंगे, और यदि सेंटेंस क्या से ही शुरू हो रहा होगा, क्या, अगर क्या से शुरू बात हो रही होगी तो फिर जो है क्या के ये इंट्रोवर्ड का प्रयोग नहीं होता है। सपोज दैट मान लीजिएगा यही, इसको हम केवल इतना लिख दें कि क्या तुम पढ़ते हो, ऐसी कंडीशन में अगर क्या से वाक्य, क्या से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है तो फिर उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, तब इंट्रोवर्ड का प्रयोग व्हाट नहीं हो, व्हाट का प्रयोग नहीं होगा, केवल यहाँ हेल्पिंग वर्ब से ही
सीधा सीधा सेंटेंस लिख दिया जाता है या यूज किया जाता है। डू यू स्टडी या डू यू रीड। जब क्या से बात शुरू हो रहा होगा तो ये इंट्रोवर्ड का प्रयोग नहीं होगा। और अगर क्या स्टेटमेंट के बीच में कहीं पर भी आया होगा तो क्या की अंग्रेजी वहाँ पर लगाई जाएगी। इंट्रोवर्ड आप जान लीजिएगा, WH वाले इनको अधिकतर जो हैं WH से ही शुरू होते हैं ये इंट्रोवर्ड अधिकतर। जैसे भाट है, भाई है, बहन है, भेयर है, वाट बहन भेयर भाई हु WHOM whom, ये अधिकतर इंट्रोवर्ड जो हैं वो W से ही शुरू होते हैं। और विच है, वाट भाई वेन वेयर हुम विच, ये सब अधिकतर इंट्रोवर्ड जो हैं ये सब इंट्रोवर्ड कहलाते हैं और WH से अधिक WH से ही शुरू होते हैं। और वैसे एक दो अपवाद भी हैं, ये भी इंट्रोवर्ड में है। हाउ मच एंड हाउ मैनी, ये इंट्रोवर्ड है। और इन इंट्रोवर्ड के तुरंत बाद डू और डज का प्रयोग होगा। ये लिखने के बाद आगे अगर हमारा वर्ब जो है या सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर होगा तो डज रखेंगे, प्लूरल होगा तो डू रखेंगे। इस प्रकार से ये आप नोट कर लीजिएगा। और कहाँ पर डू का प्रयोग होता है, कहाँ पर डज का प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें जान लीजिएगा। और मिनट का ठीक है, ओके। तो आपने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जान लिया होगा और समझ गए होंगे किस प्रकार से कौन सा सेंटेंस बनता है। तो आज अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आप ऐसा करिए, ये होमवर्क भी नोट कर लीजिएगा और इसके बाद जो है इन वाक्यों को ट्रांसलेट करके व्हाट्सएप पर आप आंसर दीजिएगा और इन्हें करके देखिएगा कि आपने ये जो पढ़ा है उस हिसाब से ये जो सेंटेंस हैं आप इन्हें बना पाएंगे या नहीं। इस तो हम भी समझेंगे कि आप मुझे कुछ रिस्पांस दे रहे हैं और समझ रहे हैं। वो पहला सेंटेंस जैसा कि आप देख रहे होंगे, सूर्य पूरब में निकलता है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोलते रहते हैं और हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, ये दो सिंपल सेंटेंस हैं। और ये वे झूठ नहीं बोलते हैं और ये बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, ये दो इंटरोगेटिव वो निगेटिव हैं। और लास्ट के तीन वो इंटरोगेटिव हैं, एक क्या से वाक्य शुरू हुआ है, क्या तुम स्नान करते हो, वह झूठ क्यों बोलता है। ये आप जो है सेवन सेंटेंस जो है नोट कर लीजिएगा और ट्रांसलेट करके आप जो है व्हाट्सएप पर आंसर भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू।